दोस्तों, क्या आपको भी हारने से डर लगता है? तो इस वीडियो के बाद आपको नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी महज एक छोटे से बच्चे की है जिसकी 5 साल में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। 7 साल में उसकी माता दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। उसके अपने सौतेले पिता से ज़्यादा बनती नहीं है, इसीलिए उसे घर छोड़ना पड़ता है। घर में पैसों की तंगी की वजह से उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। वो अपने अंकल के पास आ जाता है और उन्हीं की मदद खेतों में काम कर करता है। वहीं पर वो कुछ पैसे कमाता है। बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके अंकल उसकी नौकरी एक पेंटिंग शॉप में करवा देते हैं, लेकिन इससे भी उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए वो उस नौकरी को छोड़ता है और एक कंडक्टर का काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे सफलता ही मिलती है। उसके बाद उसको रेलवे में फायरमैन की जॉब मिलती है। वहाँ पे उस लड़की से प्यार होता है और उसकी शादी हो जाती है। लगता है ज़िंदगी पटरी पर आ ही रही है कि रेलवे से उसे एकदम अचानक से निकाल दिया जाता है। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। इतना हताश आदमी फिर भी नहीं रुकता, जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। सेल्समैन की जॉब शुरू करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे नाकामयाबी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। अपनी कंपनी शुरू करता है, लेकिन वो भी डूब जाती है। अंततः वो एक रेस्टोरेंट शुरू करता है जो कि कुछ पॉपुलर होने ही वाली होती है कि वर्ल्ड वार की वजह से उसे बंद करना पड़ता है। अब तक का वो हताश आदमी 60 साल का हो चुका होता है और उसने अपनी ज़िंदगी में अपने पेट पालने के अलावा कुछ किया भी नहीं होता है। सो, अब वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी रेसिपी लोगों तक पहुँचाए। वो निकल पड़ता है अपनी रेसिपी के साथ, दर दर भटकता हुआ 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन कोई भी उसकी रेसिपी को पसंद नहीं करता। लेकिन इतनी हार के बावजूद कि एक अलग पहचान है और 118 देशों से ज़्यादा देशों में उसकी कंपनी फैली हुई है और पूरे दुनिया में 18,000 से ज़्यादा उसके रेस्टोरेंट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KFC की, कंटकी फ्राइड चिकन्स की, जो सिर्फ भारत से 127 बिलियन का मुनाफा कमाती है। और वो आदमी और कोई नहीं, कर्नल हार्लन सैंडर्स हैं, जो कि 69 उम्र में बिलियनर बने। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमारी हार तब तक नहीं होती जब तक हम ना मान लें। तो दोस्तों, उठिए और अपने सपनों के लिए भागिए। जय हिंद।